फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक जो कि सीसी लॉजिक आईसी के ऊपर है। ये आईसी क्या है, क्या काम करती है, इसके बारे में जानेंगे। आपने अभी तक इसके बारे में यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर नहीं देखा होगा वीडियो, गारंटी के साथ कह सकता हूं। बिल्कुल नया कंटेंट, नया अपडेट कोई देता है तो वो फोन फिक्स हैदराबाद की टीम देती है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक सीसी लॉजिक आईसी है, जिसको अगर हम बात करें कॉन्फ़िगरेशन डिटेक्शन आईसी बोलते हैं। जैसा कि आपने टाइप सी में देखा होगा, यहाँ पे टाइप सी में दोनों साइड से आप चार्जर को कनेक्ट करते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स, कुछ नया इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये सीसी लॉजिक आईसी है क्या, क्या सप्लायर इसके अंदर आती है, सारा चीज मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। क्योंकि फोन फिक्स हैदराबाद हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जितने फॉलोअर सब्सक्राइबर्स हैं, जो टेक्नीशियन भाई दुकान में बैठ के काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ एक नया लेकर आती है। पूरी टीम की तरफ से हम लोग कुछ ना कुछ एक नया रिसर्च लेके आते हैं। ये जो हमारा रिसर्च होता है फ्रेंड्स, 10-10, 12-12 घंटे मोबाइल लेकर के, पीसीबी को लेकर के हम लोग रिसर्च करते हैं, तब जाकर के आपको ऐसी नई नई चीजें देते हैं। अब हम जब यूट्यूब पर डालते हैं तो दूसरे इंस्टीट्यूट वाले कॉपी कर ही लेते हैं, दूसरे यूट्यूबर भाई कॉपी कर लेते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, स्टूडेंट तो सीख ही रहे हैं। सबसे पहले चाहिए कि हमारा टेक्नीशियन भाई सीखे, और अगर कोई और इंस्टीट्यूट वाले सीखते हैं तो हमारे लिए वो गर्व की बात है, ताकि हम ऑल आर इंडियंस हैं, एक दूसरे को हेल्प करते ही रहना है। इतना है कि रिसर्च में फर्क होता है, कोई कुछ रिसर्च करता है, कोई कुछ और रिसर्च करता है, कोई किसी चीज में मास्टर होता है तो कोई किसी चीज में मास्टर होता है। तो चलिए देर ना करते हैं, इस आईसी को सबसे पहले समझ लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप सी का कनेक्टर, यहाँ पे अगर बात करूं फ्रेंड्स, तो जैसे आपने देखा होगा इसमें 12 पिन का आपको ज्यादातर आपको देखने मिलेगा, दो साइड दोनों भी ग्राउंड होता है इसमें। उसके बाद में आरएक्स और टीएक्स की लाइनें होती है, दो साइड देखेंगे। हाई स्पीड डाटा के लिए होता है, अगर आप चाहे तो ये अल्टरनेट मोड होता है। एक्चुअल में हम जो यूज करते हैं डाटा ट्रांसफर करने के लिए, फ्लैशिंग के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, डीएमडीपी की सप्लाई, डाटा माइनस डाटा पॉजिटिव की सप्लाई यूज करते हैं। बाकी अगर आपको एचडीएमआई टू कन्वर्ट करना है मोबाइल से, तो आप इन आरएक्स टीएक्स लाइनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ए4 और A9, B4 और B9 जो हमारी V-Bus की सप्लाई है, जैसे आप चार्जर लगाते हो तो यहाँ पे आपको 4 वोल्ट देखने मिल जाएगा। फास्ट चार्जिंग में जैसे आप देखोगे तो 9 से 10 वोल्ट के आसपास आपको देखने मिलता है। तो ये हमारी V-Bus की लाइन होती है, चार्जर से आती है। उसके बाद अगर आप देखोगे SBU2 SBU1, ये जो साइड बैंड यूज फॉर अल्टरनेट मोड, इसका भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, ये NC पिन होती है। इसके अलावा फ्रेंड, यहाँ पे CC1 CC2 प्लग कॉन्फ़िगरेशन डिटेक्शन पिन, CC1 और CC2। जैसे फ्रेंड्स, आप टाइप सी का चार्जर इस तरह से भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहो तो उसको पलटा करके रिवर्स भी लगा सकते हैं। जैसे आईफोन का चार्जर 2 साइड से कहीं भी आप लगा सकते हैं, ऐसे ही इसमें भी लगा सकते हैं। CC1 CC2 जो होता है फ्रेंड्स, आपने नीचे डिटेक्ट क्या किया है, आप लैपटॉप से आपने कनेक्ट किया है, आपने चार्जर कनेक्ट किया है, आपने OTG कनेक्ट किया है, आपने नीचे पेनड्राइव कनेक्ट किया है, आपने नीचे हेडफोन कनेक्ट किया है, आखिर आपने नीचे कनेक्ट क्या किया गया है, ये जो पिन होती है CC1 CC2, ये आपको बताती है। यहां पे जो वोल्टेजेस बनते हैं फ्रेंड, 0.4 से लेकर 0.8 के आसपास, जिस साइड आप कनेक्ट करेंगे उस साइड, अगर आप CC1 के साइड कनेक्ट करेंगे तो बोर्ड में भी आपको CC1 के ट्रैक पर उसके कंपोनेंट में आपको वोल्टेजेस मिलेंगे। अगर आप घुमा के लगाएंगे तो फिर यहां पर वोल्टेजेस 0 हो जाएंगे और CC2 में आपको वोल्टेजेस मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड, देना करते हुए सीसी लॉजिक आईसी को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। इसको हमने यहां पर पीपीटी में आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं कि यहां पे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहां पे अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, तो यहां पे 12 बॉल का ये आईसी है, जैसे आप देख सकते हैं नोस्कोट पॉइंट इसका यहां पे है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पिन का आईसी है, जो कि आपको देखने में किस तरह का दिखेगा एक बार यह भी मैं बता देता हूं आपको। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं आपको, अगर मेरे पास मिल जाए तो यहां पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। सीसी लॉजिक आईसी दिखता कैसे है ये देख सकते हैं। अगर आप बोर्ड में देखना चाहोगे इसको, तो ये इस तरह का पिन वाला आईसी होगा, ये देख सकते हैं, ये डायग्राम में आपको इस तरह का दिखेगा। और अगर आप इसकी सप्लाई को देखेंगे तो इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या सप्लाई इनपुट चाहिए, क्या क्या आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड, सबसे पहले इस आईसी को DC to DC से VPH लाइन यहाँ से आती है 12 नंबर पिन पे, जहां पे आपको 4 वोल्ट देखने को मिल जाएगा, ये देख सकते हैं
4 वोल्ट आपको 12 नंबर पिन पे सबसे पहले चेक करना है। जैसे हम पॉजिटिव वोल्टेज दे देते हैं वहां पे आपको पॉजिटिव ग्राउंड भी चाहिए, तो 11 नंबर और 10 नंबर इसका ग्राउंड पिन होती है और 9 नंबर इसकी एनसी पिन होती है, ऐसे ही इसका 3 नंबर भी एनसी पिन ही होता है। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें एक और लाइन आती है जिसको हम वी बस बोलते हैं, जो कि हमारा चार्जिंग के कनेक्टर से आती है। ये देख सकते हैं 4 नंबर जो है इसका वी बस का लाइन है, जहां पे अगर आप चेक करोगे तो 5 वोल्ट तक आपको चेक करने को मिल जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पे आपको कम्युनिकेशन के लिए I2C प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया गया है इस आईसी को। जैसे आप देख सकते हैं 7 नंबर हमारा सीरियल डाटा है और 8 नंबर हमारा सीरियल क्लॉक है। अगर इस पे भी अगर आप चेक करोगे तो 1.8 के वोल्टेज आपको चेक करने को मिल जाएंगे, जो कि पावर एसी से आते हैं और बीच में इस्तेमाल किया जाता है पुल अप रजिस्टर, जो कि 2.2 के रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिक करके एक लाइन दी गई है, जहां पे आपको पावर से 1.8 का वोल्टेज मिलेगा। इसमें भी आपको एक पुल अप रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाएगा 2.2K का, और ये लाइन जो है फ्रेंड सीपी के साथ कनेक्ट होती है। ये आईडी लाइन है, आइडेंटिफिकेशन लाइन है, इंटरप्टेड लाइन भी इसको बोलते हैं, जो कि आपकी 6 नंबर के साथ देखने मिलेगी। यहां पे जो वोल्टेज मिलेगा आपको 1.8 के आसपास आपको वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। यहां पे एक कंट्रोल लाइन है, ऑटो कंट्रोल, एक 10K के रजिस्टर के साथ यहां पे एक रजिस्टर लगा दिया गया है हाई वैल्यू का, जो कि पुल डाउन कराया गया है इस आईसी को इनेबल कराने के लिए, कंट्रोल कराने के लिए। ऑटो कंट्रोल होती है, अदरवाइज बाहर से आपको EN सिग्नल देकर के भी कंट्रोल कराया जाता है, बट यहां पे पुल डाउन कराया गया है, लॉजिक लो से यह आईसी कंट्रोल होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स मेन जो सप्लाई है हमारी, ये तो लॉजिक आईसी है, मेन जो सप्लाई है CC2 और CC1, ये जो आईसी के एक साथ कनेक्टेड है फ्रेंड्स, जो कि हमारा चार्जिंग पिन के साथ कनेक्ट होती है, जो कि आपका टाइप सी का कनेक्टर होता है। जब आप CC1 में कनेक्ट करेंगे तो 0.4 से लेके 0.8 के आसपास यहां पे वोल्टेज मिल जाएंगे। जब आप चार्जर को पलटा देंगे तो CC2 से कनेक्ट होगा तो वो वोल्टेज यहां पे आ जाएंगे और यहां पे आपको वोल्टेज 0 हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यही बात है कि ये चार्जिंग की जो आपका चार्जिंग पिन है, ये कॉन्फ़िगरेशन आईसी है, लॉजिक आईसी है, सीसी लॉजिक आईसी इसको बोलते हैं। अगर आपको अच्छे से सीखना है और डिटेल में सीखना है कि चार्जिंग सेक्शन किस तरह से वर्क करता है, फोनफिक्स हैदराबाद में आपको बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसी नई नई डाटा शीट आपको लाकर देते हैं। बहुत सारा हमने अभी तक YouTube पे कंटेंट डाला है, आप जाकर देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ सीख सकते हैं। हर रोज लाइव क्लासेस हमारी फोनफिक्स हैदराबाद के YouTube चैनल पर लाइव क्लास आती है, लाइव के टैब में जाकर देखिए, फेसबुक में देखिए, आपको डेली लाइव क्लास मिलता है। और जो स्टूडेंट काम करते हैं हमारे यहाँ पे, हम कोशिश करते हैं उसको हमारे व्हाट्सएप के स्टेटस पे स्टूडेंट को दिखाने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे किस लेवल पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आप जाकर के हमारे स्टेटस में देख सकते हैं यहाँ पे कितने बच्चे यहाँ पे काम करते हैं, सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो स्टूडेंट्स हमारे काम करते हैं उन्हीं का डाटा आपको देखने मिलता है यहाँ पे, देख सकते हैं सैमसंग A50 का मॉडल हो या आपका कितने भी मॉडल्स आप देख सकते हैं, ये सारा का सारा स्टूडेंट के नंबर्स के साथ है। अगर आप चाहे तो कॉल कर लीजिए, ये आपका नेक्स्ट बैच 27th से हमारा अप्रैल से, ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स ने 9 डेड फोन बना दिया है, A50 फुल शॉर्ट मोबाइल, चाहे नेटवर्क हो, चार्जिंग हो, ग्राफिक हो, चाहे कोई भी मॉडल हो, कोई भी कंपनी का मॉडल हो, स्टूडेंट्स यहाँ पे काम करते हैं, देख सकते हैं। पूरा प्रैक्टिकली क्लासेस होती है, MMC का क्लास हमारा ऑनलाइन शुरू होने वाला है 1 मई से, अगर आप चाहे तो बुक कर सकते हैं अपनी सीट, बहुत लिमिटेड सीटें होती हैं। एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनिए, अच्छा काम सीखिए, आधा अधूरा नॉलेज बिल्कुल मत लीजिए, अदरवाइज आपका काम होने वाला है नहीं, एक परफेक्ट काम सीखिए। ये जो हम पोस्ट बताते हैं फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट के ग्रुप्स होते हैं हमारे, उन्हीं में से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं हर एक बैच का एक ग्रुप होता है, उन्हीं में से सारे डेली के पोस्ट होते हैं, लाइव लोकल के भी बच्चे होते हैं यहाँ पे, और अदर अदर स्टेट से सारे, ऑल ओवर इंडिया से, इंडिया के बाहर से भी बच्चे आते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं सारा कुछ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स, लाइक करें, शेयर करें, ऐसे ही नए नए कंटेंट के लिए नीचे कमेंट करें किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, ज्वाइन करिए फोनफिक्स हैदराबाद। नेक्स्ट बैच 27 अप्रैल से है, फ्यू सीटें लेफ्ट है, अगर आप चाहे तो आ सकते हैं। 10 से 12 घंटे की क्लास होती है, रहने के लिए रूम फ्री होता है, मदरबोर्ड फ्री दिए जाते हैं, और हर स्टूडेंट यहाँ पे लाइव प्रैक्टिकली अपने हाथ से काम करता है, और जाने के बाद आप हमारे साथ इस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ जुड़ के रहते हैं, जिसमें आपको सपोर्ट मिलते रहता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और MMC प्रोग्रामिंग।
तीनों चीज आपको सिखाई जाती है। 20 दिन देना है, दोबारा 3 महीने बाद और एक बार भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पहली बार में थोड़ा सा समझ में आया या फिर आप दोबारा आना चाह रहे हैं तो भी आ सकते हैं। सपोर्ट रहता है 100% मदरबोर्ड देते हैं आपको, एक ऑन फोन देते हैं जिसमें CPU MMC पावर आप 1 से 4 बार निकाल के लगवाते हैं। अगर आपके पास कुछ फॉल्टी मोबाइल है तो लेकर आइए, लाइव आप रिपेयर भी कर सकते हैं। आप जैसे जैसे क्लास होती है ऐसे ऐसे आप सेक्शन को चेक करते चले जाते हैं तो काम आपका बहुत आसान हो जाता है। काम वापस जा रहा है, दूसरे टेक्नीशियन को देना पड़ रहा है, आधी इनकम दूसरे को देना पड़ रहा है, तो आ जाइए, ज्वाइन करिए फोनफिक्स हैदराबाद। एक बार व्हाट्सअप करके बात जरूर कर ले। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर इमीडिएटली आपके पास उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं इसी तरह से किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।